बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियल डेकोर आइडियाज़। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जूट क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इसमें रूप की मदद से बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं। आप आसान लफ्ज़ों में से सुतली भी कहते हैं, जो कि किसी भी चीज़ के लपेटने के काम आती है। आप देख सकते हैं, ये बहुत आम सी डोरी है। अगर आप चाहें तो इसे डाई करने के बाद कलरफुल चीज़ें भी बना सकते हैं। इसमें आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से डाई की हुई भी मिलती है। अगर आप चाहें तो आपके पास शादी हो तो आप उसको खुद भी डाई कर सकते हैं। इसकी मदद से बहुत ही खूबसूरत डोरबेल, वॉल हैंगर और बहुत सी डेकोरेशन पीसेस बनाने के तरीके दिखाए गए हैं। इसमें साथ में पुरानी बोतलों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स जो कि हम लोग फेंक देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उनकी मदद से हम बहुत ही खूबसूरत, ये देखें आप कितनी खूबसूरत बनाई गई है। आप चाहें तो इसे किसी भी डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डोरबेल आप ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इनडोर आउटडोर कहीं के लिए भी आप डेकोरेशन पीस बना सकते हैं इसका, और ये नेचुरल कलर में है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम आइडियाज़ पसंद आएंगे। इस वीडियो में मुख्तलिफ आइडियाज़ दिखाए गए हैं, बहुत ही इजी आइडियाज़ हैं जो कि आप देख के ख़ुद आसानी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मकसद है आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स दिखाना, छोटे छोटे आइडियाज़ देना, जिसकी मदद से आप अपने घर को बहुत हसीन और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वो रिजेक्टेड चीज़ों को यूज़ किया गया है जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं समझते हम, जिन्हें फेंक देते हैं और डस्टबिन में ही जाती हैं ये तमाम चीज़ें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक और पानी की बॉटल्स तो हर घर में आती हैं और मेरे ख्याल से हर घर में बआसानी अवेलेबल रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडियाज़ पसंद आएंगे। अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।